स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, प्रीलिम्स स्पेशल का यह स्पेशल एपिसोड स्टडी 91 के द्वारा संचालित किया जा रहा है और आज की ये 43वीं क्लास है। इससे पहले मैंने कुल 42 यानी 42 क्लास जो है पढ़ा चुका हूं। अगर पहली बार इस चैनल पर आप हैं और इस वीडियो को जो है वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बाकी अन्य क्लास को भी जो है जा करके देखें। आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये सेशन जबरदस्त है। आज हम लोग मुगलकालीन स्थापत्य कला एवं साहित्य के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिनसे बनने वाले प्रश्न आगामी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। उससे पहले आपको यहाँ एक जानकारी दी जा रही है कि ये सेशन जो कि जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन सिविल एग्जाम को दृष्टिकोण से सिविल एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किया जा रहा है और हिस्ट्री की क्लास रात 9 बजे प्रसारित की जाएगी, जबकि जीएस मिसलेनियस क्लास नितिन सर के द्वारा सुबह 10 बजे जो है इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में इस सेशन का जो है लाभ उठाएं और अपने दूसरे मित्रों में भी शेयर करें। कहा गया है कि कर भला तो हो भला, करके भलाई देख लो। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार बाग निषाद बाग की नींव रखी थी? शालीमार बाग और निषाद बाग, ये दोनों कहां पर है? तो आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में है, लिखा भी है। जम्मू कश्मीर में कहां है? तो आप कहेंगे कि सर श्रीनगर में है। श्रीनगर जो कि वर्तमान जम्मू कश्मीर की जो है राजधानी है और झेलम नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। लेकिन ये दोनों जो शालीमार और निषाद बाग हैं, अगर पूछे कि किस झील के तट पर हैं, तो आप कहेंगे कि डल झील के तट पर हैं, डल झील के जो है तट पर हैं। इनका निर्माण कार्य किसने कराया था, किसके द्वारा कराया गया था? ऐसा क्या हुआ कि जो है बागीचों का निर्माण जम्मू कश्मीर में मुगल बादशाहों के द्वारा कराया गया? तो कश्मीर को जैसा कि आप जानते हैं धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने कश्मीर की आबोहवा में इतनी जहर घोल दी कि धरती का ये स्वर्ग अब दोजख बन गया है, नरक बन गया है। सिर्फ इस उम्मीद में कुछ लोगों ने यहां की आबोहवा खराब कर दी कि मरने के बाद जो है जन्नत नसीब होगा। बहरहाल उसी धरती के स्वर्ग कश्मीर में जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा अपनी पत्नी किसके लिए? नूरजहां के लिए शालीमार बाग और निषाद बाग का स्थापना झेलम नदी के तट पर श्रीनगर में डल झील के पास जो है कराया गया था। कब? वर्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नूरजहां से जहांगीर की शादी हुई थी कब? 1612 में। और उसके बाद नूरजहां, जिनका वास्तविक नाम जो है मेहरुन्निशा था, नूरजहां जो कि जहांगीर के सेनापति की पत्नी थी और अली कुली बेग की पत्नी थी। अली कुली बेग जब भैरावल की लड़ाई में मारा गया तो उसी मेहरुन्निशा, अली कुली बेग की पत्नी मेहरुन्निशा को अकबर की विधवा सलीमा की आया रखा गया नौकरानी, देखभाल करने के लिए। और मेहरुन्निशा ने सलीमा की देखभाल नहीं की बल्कि सलीम की देखभाल की, जिसकी वजह से जहांगीर की इनके साथ जो है कौन सी तीसरी शादी हुई थी वर्ष 1611 में। तो अगर आपसे पूछता कि ये दोनों बाग किसके लिए जो है स्थापित कराए गए, तो उस सवाल का जवाब जो हो जाता नूरजहां। लेकिन ये पूछ रहा है कि किसने जो है इनकी आधारशिला जो है रखी थी, नींव रखी थी, जिस पर कुछ काम जो है शाहजहां ने भी कराया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प होगा, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा, ये कार्य जहांगीर के द्वारा जो है कराया गया।
किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा कराया गया। जहांगीर जिसके बचपन का नाम जो है सलीम था, क्यों? क्योंकि इसका जन्म जो है शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में हुआ था, इसलिए अकबर के द्वारा इसका नाम जो है सलीम रखा गया था। और इसका बेटा जो शाहजहां था, इसके बचपन का नाम खुर्रम था, ये तो अपने बाप से भी जो है चार कदम आगे निकला। इन्होंने अपनी पत्नी के लिए शालीमार बाग और निषाद बाग की नींव रखी। इसने तो अपनी पत्नी के लिए दुनिया के सात अजूबों में से एक क्या ताजमहल का निर्माण जो है कराया। बहरहाल ये बागीचा स्थापित करने लगाने की जो है परंपरा, जिसको चार बाग कहा जाता है, सबसे पहले जो है भारत में शुरू किया था किसने? बाबर ने। किसने शुरू किया? बाबर ने शुरू किया था। और इसे हमेशा जो है बिल्कुल इस तरह से जो है बनाया जाता था, इस बगीचे का निर्माण कराया जाता था कि जो है इसके बीचों बीच इसकी सिंचाई के लिए न सिर्फ जो है नहरों का प्रबंध होता था, बल्कि जो है इसमें जो है एक चौड़ा मार्ग का भी निर्माण कराया जाता था, और इसको चार भागों में जो है बिल्कुल बांट दिया जाता था। ये चार भाग जो है पद्धति थी। सबसे पहले ये ईरानियन पद्धति में बागीचे का निर्माण आराम बाग के नाम से, किस नाम से? आराम बाग के नाम से बाबर ने कहां पर करवाया था? आगरा में करवाया। बाबर की जब मौत हुई तो उसी आराम बाग में उनको कुछ समय के लिए दफनाया गया था, लेकिन उसमें वो बहुत दिनों तक रह नहीं पाए। जब शेर शाह सूरी का शासन हुआ तो उसी के शासनकाल में उनको वहां से निकाल करके और काबुल में ले जाकर के दफना दिया गया। शेर शाह सूरी के द्वारा यह काम क्यों कराया गया, उसके पीछे भी वजह यह है। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी को मुगलों से इतनी नफरत थी कि हिंदुस्तान की धरती से जो है इनका समूल खत्म कर देना चाहता था, और यही वजह थी कि बाबर, जो कि उस समय आगरा के आराम बाग में आराम फरमा रहे थे, जमीन के अंदर वहां भी उनको सुकून से नहीं रहने दिया, वहां से भी निकाल दिया। बहरहाल इस समय बाबर का जो है मकबरा कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में काबुल नदी के तट पर काबुल में स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित था? उस्ताद ईसा खां, इनका पूरा नाम था ईसा खां, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय खां को खा गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में एक बादशाह जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया, कौन? शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया, और उसी के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया था। ताजमहल का निर्माण कार्य जो है कब शुरू किया गया? 1632 में, जब शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद इस दुनिया से चल बसी, तो उन्हीं के याद में ये प्रेम का प्रतीक ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया 1632 में, और बन करके तैयार हुआ 1652 में। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया गया, और इस तरह यह पहली भारतीय इमारत थी जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दी गई थी। और इसके जो वास्तुकार अगर जो है पूछता, वास्तुकार पूछता, तो इसके वास्तुकार जो है अहमद लाहौरी थे। कौन थे? अहमद लाहौरी थे, और इन्हीं के सलाह पर ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के तट पर हुआ था, वरना शाहजहां ताजमहल का निर्माण जो है यहां पर नहीं, अपनी पत्नी के याद में मकबरे का निर्माण मध्य प्रदेश का शहर बुरहानपुर में कराना चाहता था, क्योंकि वहीं पर उनकी मौत हो गई थी, और वहीं पर उनको जो है किसको? मुमताज को दफनाया गया था। यह वहीं पर चाहता था शाहजहां कि वहीं पर उनको दफनाया जाए। अगर शाहजहां का जो सोच थी अगर जो है वो धरातल पर उतरी होती तो आज ताजमहल मध्य प्रदेश में होता, आगरा में नहीं, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में होता। लेकिन इसी अहमद खान लाहौरी के कहने पर उन्होंने अपने विचार बदल दिए, और ताजमहल का निर्माण जो है ठीक लाल किला, जो कि आगरा का लाल किला है, उसी में, उसी के जो है यमुना नदी के उस तट पर इन्होंने कराया। कालांतर में आजकल ये मामला इसलिए भी लाइमलाइट है क्योंकि अब कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है कि क्या ताजमहल वाकई कभी भगवान भोलेनाथ का मंदिर तजवालय था, जिसको
परवार वंश के शासकों ने बनवाया था। बहरहाल इसका जो डिजाइनिंग इस पर जो है किया था, डिजाइनिंग का काम जो है किया था वो जो है ईसा खा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईसा खा के द्वारा किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम ना, कौन सा सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहां है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा है और इसका निर्माण कार्य गुजरात विजय के याद में कराया गया था। किसके याद में कराया गया? तो आप कहेंगे कि सर गुजरात विजय के याद में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। अगर आपसे जो है पूछा जाए कि इसके वास्तुकार कौन थे तो आप बताएंगे अलीवाल खान थे। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा था इसके वास्तुकार मोहम्मद अली वाल खान थे। किसके जो है वास्तुकार? जी हां, बुलंद दरवाजा का। लाल किला का निर्माण कराया था शाहजहां ने और इसके भी वास्तुकार यही महोदय थे। लाल किला जो कि दिल्ली में है और जो आगरा में लाल किला है उसका जो है निर्माण कार्य कराया था अकबर ने। एतमाद उल दौला का मकबरा कहां पर है? आगरा में है और इसका निर्माण कार्य जो है कराया किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा। नूरजहां ने अपने पिता गियास बेग के याद में एतमाद उल दौला के मकबरे का निर्माण कराया और भारत भूमि पर संगमरमर से बनाया गया ये पहला मकबरा था जहां पितृदा शैली का प्रयोग किया गया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है मेरे प्यारे एकलव्यों? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% सही है। आगे देखें, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य यह कथन किसने दिया था? बर्नियर ने, मनुची ने, रॉल्फ फिंच ने या हॉकिंग्स ने? आगरा से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण कार्य अकबर महोदय के द्वारा कराया गया और इसे जो है वर्ष 1570-71 में मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है घोषित की गई। तो आगरा जो है मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी थी, फतेहपुर सीकरी जो है दूसरी राजधानी थी। इन दोनों शहरों को ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो कि टेम्स नदी के तट पर है उससे भी भव्य और बड़ा शहर का जो है खिताब देने वाला व्यक्ति ब्रिटेन का ही रहने वाला था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच और यह वर्ष 1585 में अकबर के शासनकाल में एक पर्यटक के रूप में भारत के दौरे पर आया था, भारत घूमने आया था और भारत की ये वैभवशाली परंपरा को देखा, इतना प्रभावित हो गया कि वो पूरा घूम गया जबकि आया था घूमने। हॉकिंग्स ये 1608 में आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जी हां, हेक्टर या रेड ड्रैगन जहाज के माध्यम से आया हॉकिंग्स और इसके आने के पीछे जो है उद्देश्य था व्यापारिक अधिकार जो है प्राप्त करना। जहांगीर के शासनकाल में इनका आगमन हुआ था। मनुची जो कि शाहजहां और औरंगजेब दोनों के शासनकाल में रहा था और यह 1639 से लेकर के 1717 तक एक सैनिक के रूप में अपना सफर भारत में मुगलों के यहां शुरू किया और सैन्य चिकित्सक तक जो है बना। वर्नियर भी किसके शासनकाल में आया? शाहजहां के शासनकाल में आया। वर्नियर कहां का रहने वाला था? वर्नियर जो है फ्रांस का रहने वाला जो है व्यक्ति था। मनुची कहां का रहने वाला था? यह इटली का रहने वाला था। कहां का रहने वाला? इटली का। ये कहां के रहने वाले थे? ये कहां के रहने वाले थे? यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा? अंतिम ना, कौन सा ये सही होगा? आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से किसे दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? दोहरे गुंबद वाला वैसे तो मकबरा भारत में सबसे पहले जो है बनाया गया था उसका लोदी वंश में पूछता तो जो है फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा जो है ये बनवाया गया था उसके सुपुत्र महोदय के द्वारा जो है बनवाया गया था और सिकंदर लोदी का भी जो है मकबरा
सिकंदर लोदी का मकबरा, ये लोदी डायनेस्टी में जो है ये भी दोहरा गुंबद वाला था, लेकिन यहां बात जो है मुगलों की जो है पूछी जा रही है। तो अगर जो है मुगलों का पूछा जाए तो सबसे पहले हुमायूं का मकबरा जो था वो दोहरा गुंबद वाला एक मकबरा था, दिल्ली में है, किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। किसके द्वारा बनवाया गया, हुमायूं की पत्नी के द्वारा जो है बनाया गया था। किसके द्वारा, हुमायूं की पत्नी के द्वारा जो है बनवाया गया था इसको, हमीदा या हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया, अकबर के द्वारा जो है बनवाया गया था। एतमाद उल दौला का मकबरा आगरा किसके द्वारा बनवाया गया, नूरजहां के द्वारा बनवाया गया, अपने पिता गियास बेग की याद में बनवाया गया। अब ये जो है फिरोजाबाद में पड़ता है। मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाया, तो जो है जहां आरा ने बनवाई थी, किसने, जहां आरा जो कि शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य कराई, और ये रिश्ते में शाहजहां की पुत्री थी और आगे चल करके शाहजहां से इन्होंने शादी कर ली या शाहजहां ने इनसे शादी कर ली तो फिर ये इनकी पत्नी हो गई थी। यही वजह था कि शाहजहां और औरंगजेब में मामला 3672 नहीं 144 तक पहुंच गया था, क्योंकि इस शादी का जो है विरोधी था कौन, औरंगजेब। और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति इस रिश्ते को जो है स्वीकार नहीं करेगा अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, लेकिन पावर और पैसे वाले व्यक्ति उस समय या इस समय चाहे कितनी भी गंदी से गंदी जो है हरकत क्यों ना करें, उसका समर्थन करने वाले हमेशा जो है मिले हैं और उसको जायज ठहराया गया। उलेमाओं ने, मौलवियों ने जो है उसको जायज ठहराया, और क्या बताया जाए। आगे देखें, तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। तानसेन महोदय, इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम जो है राम तनु पांडे था। क्या नाम था, राम तनु पांडे। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर से पहले राम तनु पांडे किसके दरबार में रहा करते थे, तो जी हाँ, रीवा के शासक जिनका नाम था जो है रामचंद्र सिंह। क्या नाम था, रामचंद्र सिंह, जिनको कि वर्ष 1570 में जो है इनको पराजित कर दिया गया था। और रीवा के शासक के यहाँ से ही अकबर को तानसेन मिले थे और वहीं से जो है बिरबल भी प्राप्त हुए। बिरबल जिनका वास्तविक नाम जो है, क्या नाम था, महेश दास था। तानसेन जो कि उस समय के शानदार जो है गायक थे, मियां की ठोड़ी एक राग था जो है, मियां का मल्हार, मियां का जो है कनाड़ा, मियां का जो है सारंग, ये इनकी कुछ जो है प्रसिद्ध राग थे। खास करके जो है ये ख्याल गायकी के बड़े जो है सुप्रसिद्ध गायक थे, कहा जाता है कि जब ये आए अकबर के दरबार में तो अकबर ने ही इनको तानसेन का जो है नाम दिया था। जब इन्होंने उसके सामने जो है जब संगीत गीत गाया तो उन्होंने कहा, यार तुम्हारी तान बहुत लाजवाब है, और वहीं से ये तानसेन के नाम से जो है जाने गए। रुद्रबीड़ा वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था, जी तानसेन के द्वारा किया गया था। रुद्रबीड़ा के ये बहुत अच्छे वादक भी थे, कौन, तानसेन। और अगर पूछा जाए कि इनका मकबरा कहां पर स्थित है, तो जो है ग्वालियर में स्थित है। कहां पर, ग्वालियर में। जीवन के अंतिम दिनों में जब अकबर की मौत हो गई तो कहा जाता है कि ये तानसेन महोदय उन दिनों ग्वालियर में रह रहे उस समय के सूफी संत थे जिनका इन्होंने शिष्यता ग्रहण कर ली, और मर जाने के बाद इनको वहीं पर दफना दिया गया था। कहां पर, ग्वालियर में। जिंदगी के अंतिम दिनों में इन्होंने किसकी शिष्यता जो है ग्रहण कर ली, जी हां, सूफी संत गौशदास की जो है इन्होंने शिष्यता को स्वीकार कर लिया था। तानसेन महोदय के याद में आज भी तानसेन पुरस्कार जो है दिया जाता है। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, कहां पर, ग्वालियर में, हमेशा दिसंबर के महीने में जो है होता है। और संगीत पुरस्कार भी जो है तानसेन पुरस्कार दिया जाता है वर्ष 2023 में। ये संगीत पुरस्कार जो है किसको दिया गया था, जी हां, ये संगीत पुरस्कार पंडित गणपति भट्ट को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था तानसेन पुरस्कार, अगर जो है पूछा जाए तो पंडित गणपति भट्ट, किराना घराना के जो है ये
गायक थे। और एक बात हमेशा जो है ध्यान रखेंगे आप लोग कि जितना जो है आपके लिए, जितना आपके लिए जो है जीएस इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडी इंपॉर्टेंट है, उतना ही जो है करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें करंट अफेयर ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप सामान्य अध्ययन के साथ साथ जीएस के साथ साथ करंट का भी जो है अध्ययन करते रहें, नहीं तो अगर करंट से अफेयर नहीं हुआ तो परीक्षा के बाद जो है करंट जैसा ही झटका देता है। कितने लोग चाहते हैं कि करंट का सेशन जो है इस चैनल पर शुरू किया जाए, मैं भी चाहता हूं कि इस सेशन को जो है शुरू किया जाए करंट अफेयर का। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझको जरूर बताना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अकबर के द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं किया गया था? अकबर महोदय के द्वारा फतेहपुर सीकरी को जो है अगली राजधानी बनाई गई। कहा जाता है कि जब शेख सलीम चिश्ती के खानकाह में सलीम का जन्म हुआ 30 अगस्त वर्ष 1569 के दिन, ये अकबर के पहले उत्तराधिकारी थे और निःसंतान अकबर को संतान की प्राप्ति हुई तो वो इतना खुश हो गया जैसे आज के समय में एक बेरोजगार इंसान को 10 बरस जो है पढ़ने लिखने के बाद उसे जो है रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। बहरहाल ये इतने खुश हो गए कि इन्होंने, अकबर महोदय ने शेख सलीम चिश्ती से कहा था आप मेरे यहां चलिए, आगरा में चलिए, महलों में रहिए, क्यों आप इस खानकाह में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खानकाह का मतलब होता है आश्रम। शेख सलीम चिश्ती ने नहले पर दहला दिया और कहा अकबर अगर आपको हमको महलों में रखने का इतना शौक है तो यहीं फतेहपुर सीकरी में महल क्यों नहीं बनवा देते हो। ये बात अकबर को लग गई। दुनिया का बहुत कड़वा ये सत्य है, मैं बार बार बताता हूं, पावर और पैसा हो तो आपको बात से भी चोट लगती है और न हो तो लात से भी चोट नहीं लगता है। आखिरकार अकबर महोदय ने फतेहपुर सीकरी को न सिर्फ वहां पर नगर बसाए बल्कि उसको अपनी अगली राजधानी घोषित कर दिया। वहीं पर इन्होंने जोधाबाई महल बनवाए थे। जोधा के कहने पर उस महल के बीचों बीच उन्होंने भगवान कृष्ण का जो है एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया, क्योंकि जोधा कहा जाता है कि भले अकबर की पत्नी रही जरूर लेकिन कभी भी उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। वो बचपन से ही कृष्ण और राधा की उपासिका थी और जीवन पर्यंत जो है वो उपासिका रही थी। इन्हीं के कहने पर अकबर महोदय ने जोधा महल में एक राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसके वजह से जौनपुर के एक उलेमा के द्वारा इनके ऊपर फतवा जारी किया गया था। अकबर पहले ऐसे जो है बादशाह हुए जिनके ऊपर फतवा जारी हुआ था। जोधाबाई महल, तानसेन महल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। मानसिंह महल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। मानसिंह महल कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहां है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहां पर है? यहीं पर स्थित है बुलंद दरवाजा, जो कि आज भी है। इसके अलावा दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, ये सारी इमारतें जो है कहां पर है? ये सारी इमारतें फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। जबकि शीश महल कहां है? आगरा में स्थित है, आगरा के किले में है। और इसका निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा जो है कराया गया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा जो है कराया गया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, अंतिम विकल्प जी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अगले प्रश्न का, उससे पहले जो है बता दूं कि तुर्की सुल्ताना की कोठी ये भी कहां पर स्थित है? जी हां, ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। और इसको पर्सी ब्राउन के द्वारा स्थापत्य कला का मोती कहा गया है।
किसको कहा गया है? तुर्की सुल्ताना की कोठी को, अस्थापत्य कला का मोती कहा गया। किसने कहा? पर्सी ब्राउन ने कहा था। तो कभी कभी जो है बस यही पूछ लेता है कि किस इमारत को मुगल अस्थापत्य कला का मोती कहा गया? तुर्की सुल्ताना की कोठी, मरियम कोठी, ये सब जो है वहीं पर है। अकबर कालीन किस भवन या किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? पंचमहल आज भी जाकर के देखें, ये जो है वहीं पर स्थित है फतेहपुर सीकरी में, जो कि बौद्ध विहार जो बनाए जाते थे उस पर आधारित है, और ये बिल्कुल बौद्ध धर्म के द्वारा बनाए जाने वाले जो स्तूप थे उस कैटेगरी में इनको जो है बनाया गया है। सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है उसको भी इसी जो है पद्धति के तहत बनाया गया है। सिकंदरा जिसकी स्थापना जो है किया था किसने? सिकंदरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी के द्वारा जो है किया गया था। आगरा में आज भी ये जगह है सिकंदरा। और आपको बता दें कि जब यहां पर अपने जीते जी अपने मकबरे का निर्माण कार्य अकबर महोदय के द्वारा शुरू कराया गया तो इसका नाम जो है बहिस्ताबाद रखा गया। क्या रखा गया? बहिस्ताबाद, जो कि ये भी याद रखना पूछता है, बहिस्ताबाद रखा गया सिकंदरा का नाम। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसी सिकंदरा पर जब जो है अटैक किया था वर्ष 1688 में, किसने? जाट नेता राजा राम ने। जाट नेता राजा राम ने वर्ष 1688 में औरंगजेब के शासनकाल में इस पर अटैक किया, और इस पर अटैक किया तो सिकंदरा में स्थित अकबर के इस मकबरे को जो है बिल्कुल खंडहर बना दिया, उजाड़ दिया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि अकबर के कब्र को खोद करके उनकी अस्थियां निकाल करके और उसने उसको फूंक दिया, जलवा दिया था। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जब अपने जीते जी अकबर महोदय अपने बच्चे से, अपने बेटे से, अपने उत्तराधिकारी सलीम से जो है बिल्कुल त्रस्त हो गए थे, तो इन्होंने अपने जीते जी ही अपने मकबरा जो है बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे व्यक्ति कोई जीते जी ही अपने लिए कफन खरीद के रख ले। लेकिन घर में जब औलादें जो है लायक हो जाती हैं तो माँ बाप जो है इस हद तक भी सोचते हैं। अकबर भी सोचे तो कोई गलत नहीं था। दरअसल जब सिकंदरा, जिसका नाम इन्होंने जो है बहिस्ताबाद दिया, वहां पर अपने मकबरे का निर्माण कार्य कराने का जो है जब इन्होंने निर्णय लिया तो वहां पर जाट लोगों की बस्ती थी, जिनको फरमान सुनाया गया कि अगले दिन तक जो है इसे खाली कर देना है। लेकिन जाट समुदाय के लोगों ने ऐसा किया नहीं, बल्कि उस क्षेत्र को न छोड़ने का निर्णय लिया तो उनकी बस्तियों को जला दिया गया था और उनसे खाली कराया गया, उन पर तमाम अत्याचार किया गया। और आगे चल करके उसी प्रतिशोध की आग को बुझाने के लिए राजा राम के द्वारा ऐसा काम किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दोनों विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? अभी तो बताया था एतमाद उल दौला का मकबरा। एतमाद उल दौला का मकबरा किसका मकबरा है? गियास बेग का मकबरा है। गियास बेग कौन थे? तो गियास बेग जो है जहांगीर की पत्नी, जिनका नाम था नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। और नूरजहां का वैसे तो वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, लेकिन जहांगीर से जब उनकी शादी हुई तो उनको नूरजहां की उपाधि मिली थी, और वही नूरजहां ने अपने पिता कियास बेग की याद में वहां पर मकबरे का निर्माण कराई, जिसे एतमाद उल दौला का मकबरा कहा गया था। भारत की धरती पर संगमरमर से बनाया गया यह पहला मकबरा था, जो कि आज भी फिरोजाबाद में किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर है। इसी एतमाद उल दौले के मकबरे को लेकर के नूरजहां और शाहजहां में इतनी बात बिगड़ गई कि कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। नूरजहां का मकबरा पूछे कहां है, तो आप बताएंगे कि लाहौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में। दिल्ली में
और इसका निर्माण कार्य इनकी बेम जो है पत्नी हाजी बेगम के द्वारा जो है कराया गया था। वही हमीदा जिनको ये हाजी बेगम की उपाधि दिए थे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहां पर? सिकंदरा। सिकंदरा कहां है? आगरा। आगरा में स्थित है। और अभी बताया कि अकबर ने सिकंदराबाद का नाम क्या दिया था? बहिस्ताबाद दिया था। क्या नाम दिया था? बहिस्ताबाद के नाम से जो है संबोधित किया था। शाहजहां का मकबरा बताने की जरूरत नहीं है। ताजमहल, ताजमहल में ही मुमताज के बगल में शाहजहां को दफना दिया गया। कहा जाता है कि जब औरंगजेब के कैद में शाहजहां की मौत हो गई, शाहजहां के मर जाने के बाद लगभग 8 वर्ष तक शाहजहां औरंगजेब के कैद में रहा था, आगरा के किले में रहा था, और अपनी पत्नी के याद में वही ताजमहल को देख करके जिंदगी का 8 वर्ष जो है बिताया था। करता भी क्या, और कोई विकल्प भी तो नहीं था। और जब इनकी मौत हुई तो अपने बाप से इतना नफरत रख करता था औरंगजेब कि इनको मुमताज के पास दफनाने के लिए भी तैयार नहीं था, उसने इनकार कर दिया। लेकिन उस समय के उलेमाओं और मौलवियों के द्वारा जब जो है उसको समझाया गया कि शाहजहां जैसा भी था तो तेरा जो है पिता, और मरने के बाद नियमों के अनुसार उसको अपनी पत्नी के पास ही जो है दफना देना चाहिए, और इस तरह से इनको वहीं दफनाया गया। इतना ही नहीं, शाहजहां की और भी जितनी जो है पत्नियां या उपपत्नियां थीं उनको आगरा के जो है ताजमहल में ही अलग अलग हिस्सों में जो है दफनाया गया है। वहां 13 पत्नियों को, इनकी 13 पत्नियों को दफनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? मेरे प्यारे एकलव्यों, अंतिम विकल्प सही होगा। आगे देखें, सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को कूट दीजिए। सासाराम में मकबरा, सासाराम जो कि बिहार में आज स्थित है, और सासाराम का मकबरा किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। यह झील के बीचों बीच एक चबूतरे पर बनवाया गया अष्ट कोणीय मकबरा है, शाहजहां के द्वारा नहीं। वेरी सॉरी, किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कार्य अपने जो है जीवन काल में ही शुरू कर दिया था। उसके बच्चे ने, इस्लाम शाह सूरी ने उसको पूरा कराया था। फतेहपुर सीकरी, अकबर महोदय। जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। कहां पर? दिल्ली में। चार मीनार दुनिया जानती है, हैदराबाद में स्थित है। वर्ष 1591 में मुहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया। किस नदी के तट पर? आप कहेंगे किस नदी के तट पर? जी हाँ, मूसी नदी के तट पर। मूसी जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, और आज भी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर ही स्थित है, जो वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ए का चौथा, ओ माय गॉड, यानी ये नहीं होगा। बी का कौन सा? तीसरा। बी का तीसरा बस यही दिया है, तो यही सही होगा। सी का भी तीसरा दिया है, हद कर दिया है ना, इसको एक खटाइए। सी यानी जामा मस्जिद, दूसरा शाहजहां के द्वारा बनवाई गई दिल्ली में, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, और चार मीनार जो है कहां है? हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प सही होगा। अकबर के शासन में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास, सूरदास, बिलासदास। आपको जानकारी के लिए बता दें, तानसेन जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और इनको अकबर ने कंठ, भरण, वाणी, बिलास राव की उपाधि दिया था। बस इतना ही छोटा सा, कंठ, भरण, वाणी, बिलास राव की उपाधि दिया था। अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, जिन्होंने रुद्रवीड़ा का आविष्कार किया था। किसका? रुद्रवीड़ा का आविष्कार किया था, जबकि सितार का आविष्कार किया था किसने? अमीर खुसरो ने। तबले का आविष्कार किया किसने? अमीर खुसरो ने। तानसेन ख्याल गायकी के जो है बड़े सुप्रसिद्ध गायक थे, ध्रुपद भी जो है बहुत अच्छा गाते थे। इनके जो गुरु थे जिनका नाम था जो है हरिदास, ये भी अकबर के जो है समकालीन थे, और ये उन दिनों कहाँ पर रहते थे? उन दिनों जो है ये वृंदावन में रहा करते थे, मथुरा में रहा करते थे। कहा जाता है कि इनकी गायकी को सुनने के लिए अकबर महोदय चल करके गए थे कहाँ? वृंदावन।
और वहां पर इन्होंने स्वामी हरिदास को जो है सुना था। स्वामी हरिदास के जो है संगीत में इतना दम था कि सुबह के वक्त जब इन्होंने भैरवी जो है गाया था, तो जैसे जैसे जो है सुबह के वक्त जैसे जैसे इनका संगीत धीरे धीरे जो है अपने समापन की ओर चलता गया, वहाँ स्वामी हरिदास के आश्रम में जो जलते हुए दीपक थे एक एक करके जो है बुझते चले गए। अकबर महोदय देख करके दंग रह गए। इनकी संगीत में वो शक्ति थी कि जब ये गाते थे तो बुझे हुए दीपक भी जल जाते थे और जलते हुए दीपक बुझ जाते थे। बिन बादलों की बरसात हो जाती थी, यानी संगीत में इतनी जो है शक्ति है। बस जो है संगीत के साथ आपने कितना साधना किया है। आज भी कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं और कुछ लोग जो है गा देते हैं कसम से, गली में कुत्ते भौंकने लगते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा वाला कहीं बोल रहा है का। बहरहाल स्वामी हरिदास जी से उन्होंने निवेदन किया था अकबर महोदय कि आप चलिए हमारे यहाँ फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाए हैं, वहाँ चलिए। लेकिन स्वामी हरिदास जी ने जाने से मना कर दिया था। ये दोनों लोग जो है ध्रुपद ख्याल गायकी के जो है उस समय के सुप्रसिद्ध जो है गायक रहे थे। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प जो है सही होगा। सूरदास जो कि इनके समकालीन नहीं थे, लेकिन सूरदास भगवान कृष्ण के जो है परम भक्त थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले हमारे संस्था के द्वारा ये आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शानदार बेजोड़ टेस्ट सीरीज जो है शुरू की है, और आप लोग www.study91pro.com से जो है जा करके आप न सिर्फ जो है इसका विजिट करिए, इन टेस्ट सीरीज को जो है सॉल्व करिए, बल्कि प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी जिंदगी में सफलता को डाउनलोड करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी इसके बारे में मैं क्या बताऊं, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। मुगल कालीन चित्रकारों की उपाधियों को सुमेलित कीजिए। भारत में मुगल काल में चित्रकला को लाने का काम जो है हुमायूं ने किया था। किसने किया? हुमायूं के द्वारा जो है किया गया, जब उसने सैयद मीर अली और अबू समद जैसे दो ईरानी चित्रकारों को जो है भारत में लाया। और हुमायूं के शासनकाल में ही जो है हजमा जो है निर्माण कार्य जो है कार्य शुरू कर दिया गया था। किस पर? हमजानामा पर। किस पर? हमजानामा, 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 जिसमें कि मोहम्मद साहब के जीवन में घटित घटनाओं को न सिर्फ शब्द रूप में बल्कि जो है उसको सचित्र वर्णन किया गया था। और कहा जाता है कि हमजानामा करीब 15 वर्ष में बन करके तैयार हुई थी। हुमायूं के शासनकाल में शुरू हुई और अकबर के शासनकाल तक इसका जो है रचना हुआ था। और इस तरह से हुमायूं महोदय भारत में चित्रकला का जो है श्री गणेश किया था। अगर आपसे पूछे कि मुगलों में किसका शासनकाल जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया, तो उस सवाल का जवाब होगा क्या? जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल जो है कहा गया, और जहांगीर खुद भी एक बहुत अच्छा चित्रकार था। अकबर के द्वारा अपने दरबार में ऐसे चित्रकारों को जगह दिया गया और अकबरनामा में लिखा गया, अकबरनामा में लिखा गया कि इनके दरबार में उस समय कुल 17 जो है 17 चित्रकारों का जो है उल्लेख हुआ है अकबरनामा में। अकबरनामा की ही अंतिम भाग है आईने अकबरी, और उसमें से 13 जो थे वो हिंदू थे। अब आइए यहां देखते हैं, नादिर उल जमा की उपाधि किसको दिया गया था? नादिर उल जमा की उपाधि जो है अबुल हसन को दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और अगर आपसे जहांगीर के द्वारा नादिर उल अस्त्र की उपाधि, अस्त्र शब्द है, अस्त्र की उपाधि किसको दिया गया था? जी अब शमद को दिया गया था। सीरी कलम की उपाधि किसको दिया गया था? जी हां, उस्ताद मंसूर को जो है प्रदान किया गया था। उस्ताद मंसूर को जो है सीरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया था। तो इस तरह दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का
कौन सा जो है विकल्प सही होगा, तो आइए देखते हैं हम लोग। ए का पहला, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल क्रम से है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही है। जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी, जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी, आप कमेंट करके जो है हमको अवश्य बताना। जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा जाहिर सी बात है यह जीवनी होगी किसकी, हुमायूं की। और हुमायूं नामा की जीवनी जो है लिखा किसने था, हुमायूं नामा की जीवनी लिखा था गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी, रिश्ते में इनकी सौतेली बहन थी, सौतेली बहन थी, लेकिन हुमायूं के प्रति जो है हमेशा इनका अगाध स्नेह रहा था। इन्हीं के द्वारा अकबर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में हुमायूं नामा का रचना फारसी भाषा में किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का दूसरा ना तीसरा विकल्प सही होगा। बाबर की जीवनी तुजुक ए बाबरगिरी या तुजुक ए बाबरी, बाबरी खुद इन्होंने तुर्की भाषा में लिखा था और इसका जब फारसी में अनुवाद किया गया तो इसका नाम हो गया क्या, बाबरनामा। अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। जहांगीर ने अपनी जीवनी को तुजुक ए जहांगीरी के नाम से लिखा, फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी के नाम से लिखा, जहांगीरी के नाम से लिखा। हुमायूं ने अपनी जीवनी तो नहीं लिखा लेकिन फारसी भाषा में जो है दीवान नामक पुस्तक की रचना इनके द्वारा ही किया गया था। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है 100% सही है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। जी किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसमें लिखा है, हुमायूं नामा में लिखा है, हुमायूं नामा में इन्होंने लिखा है। क्योंकि ये बाबर का भी शासनकाल को देखा, इन्होंने हुमायूं का शासनकाल देखा, इन्होंने शेरशाह सूरी का शासनकाल देखा, शेरशाह सूरी या सूरी वंश का शासनकाल देखा, इन्होंने अकबर का शासनकाल देखा। भगवान जाने कौन सी कंपनी का इन्होंने च्यवनप्राश खाया था, बड़ा लंबा इनका जीवन था। और हुमायूं नामा में इन समस्त जो है शासकों के जीवन के घटनाक्रमों का, जिनके मुगल वंश से संबंध था, उसका इन्होंने शानदार वर्णन किया है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम ना पहला सही होगा। नूरजहां जिनका असली नाम जो है मेहरुन्निसा था, ये जहांगीर की पत्नी थी। जहां आरा बेगम जो कि शाहजहां की पुत्री थी, जेबुन्निसा बेगम जो कि औरंगजेब की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखें। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था। मदरसा ए बेगम माहम अनगा के द्वारा जो है स्थापित किया गया, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। आज हम लोग जिसको जो है स्कूल कहते हैं उसको तब मदरसा जो है कहा जाता था, खास करके प्राथमिक शिक्षा के लिए मदरसा स्थापित किए जाते थे। और माहम अनगा कौन थी, तो माहम अनगा जो है अकबर की जो है ये धाय माँ थी। कुछ समय तक अकबर को शिशु अवस्था में हुमायूं इसी जीजी अनगा और माहम अनगा नामक दो बहनों के पास जो है छोड़ करके और अपनी पत्नी को लेकर के जो है चला गया था हुमायूं, जब उसको इस बात का डर था कि उसके उत्तराधिकारी अकबर की हत्या कर दी जाएगी, इसलिए अपने बच्चे को ही जो है उन्होंने किसी और के हवाले कर दिया था। तब माहम अनगा और जीजी अनगा दोनों ने जो है हुमायूं के पुत्र अकबर की जो है बड़ी अच्छे से देखभाल किया, परवरिश किया और अपना दूध भी उनको पिलाया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किया। हितोपदेश लिखा किसने था, हितोपदेश को लिखा था पंडित नारायण। क्या नाम था, पंडित नारायण के द्वारा जो है ये लिखी गई पुस्तक थी। इसका फारसी भाषा में अनुवाद जो है किया था ताजुल माली ने किया था। किसने किया था, जी हाँ फारसी भाषा में इसका अनुवाद ताजुल माली के द्वारा किया गया। ताजुल माली जो कि अकबर के दरबार में रहा करते थे,
किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहा करते थे। और मुफरीह उल कुलूस, किस नाम से इसका अनुवाद किया? मुफरीह उल कुलूह, भगवान जाने इनमें इनको क्या इस नाम में मिला था, लेकिन ये प्यारा सा नाम याद रखेंगे। हितोपदेश का जो है फारसी भाषा में अनुवाद ताजुल माली के द्वारा जो है किया गया था। अब्दुल कादुर बदायूनी के देख रेख में जो है महाभारत का अनुवाद किया गया। महाभारत का अनुवाद किया गया किस नाम से? रजमनामा के नाम से किया गया। रजमनामा जिसको कि युद्धों की पुस्तक के नाम से जो है संबोधित किया गया। दारा सिको जिन्होंने अपने जीवन काल में 52 उपनिषदों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया, किस नाम से? सिर ए अकबर के नाम से। किस नाम से? सिर ए अकबर के नाम से इन्होंने अनुवाद किया। श्रीमद् भागवत गीता का भी इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रामायण का भी फैजी और अबुल फजल के जो है देखरेख में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अकबर महोदय के कहने पर। तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% सही है। आगे देखें, कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, गीत लिखे, उनका नाम क्या था? उनका नाम जो है राजा छत्रसाल था। राजा छत्रसाल जिनको बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में ही बुंदेलखंड को मुगल सत्ता से जो है स्वतंत्र करा लिया था। राजा छत्रसाल जो कि वीर सिंह बुंदेला, कौन सिंह? वीर सिंह बुंदेला, ये यही वीर सिंह बुंदेला है जिसने अकबर के कहने पर ना जहांगीर के कहने पर अकबर के राज कवि अबुल फजल का काम तमाम कर दिया था। उसी के वंशज थे। कौन? राजा छत्रसाल, जिन्होंने नागरी दास के नाम से भगवान कृष्ण के प्रशंसा में उस समय गीत लिखे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हसन निजामी जो कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया, जिसने ताजुल मासूर लिखा। हसन निजामी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहा। हसन निजामी जो कि इल्तुतमिश की भी जो है दरबार में कुछ समय तक जो है सेवा दिया था, ताजुल मासूर उसी ने लिखा था। गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा जो है लिखा और उसमें ख्वाद मीर के द्वारा जो है अपना सहयोग दिया गया था। मोहम्मद काजिम जिन्होंने आलमगीर नामा लिखा था, औरंगजेब से संबंधित ये जो है पुस्तक है, जबकि भीमसेन के द्वारा, भीमसेन औरंगजेब के समय में ही इन्होंने क्या लिखा? नुक्शा ए दिलकुशा लिखा था। तो दिए हुए प्रश्न में पहले का चौथा कहां दिया है? यहां दिया है, और कहीं दिया ही नहीं है तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। पहला विकल्प। आगे देखें, पुस्तकों के नाम को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। अभी तो बताया था आलमगीरनामा किसने लिखा? आलमगीरनामा के किसके द्वारा लिखा गया? जी हां, मुंशी मोहम्मद काजिम ने जो है लिखा था। इसके अलावा चहार चमन किसने लिखा? चंद्रभान के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रभान जो कि एक ब्राह्मण लेखक थे उनके द्वारा जो है लिखा गया। अगर वैसे भी जो है आप देखें, अगर ये बस इतना भी आपको पता है तो सी का तीसरा सही होगा। और ये दिया कहाँ है? बस यहीं दिया है, यानी दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रकार नस्तालीख एक प्रकार की फारसी लिपि है जो कि मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी। मुगल शासकों के द्वारा उद्गृहित एक उपकर या उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। नस्तालीख यह एक प्रकार की जो है फारसी लिपि थी जिसको जो है जहांगीर के अलावा कहा जाता है कि औरंगजेब भी जो है नस्तालीख का जो है अच्छा लेखक था। इनके अलावा दूसरे भी जो है बहुत अच्छे इसके लेखक रहे थे। औरंगजेब ने अपने ये
जहांगीर ने अपनी जीवनी ही फारसी भाषा में लिखी थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। और इस सेशन का 2020 सीरीज का ये जो है अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कृति और लेखक। इस सेशन में मैंने कला, साहित्य, स्थापत्य से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको सम्मिलित करने का प्रयास किया था, लेकिन ब्रिज प्रश्नों में इनको पूरी तरीके से कवर कर लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इस पर संबंधित एक और वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है हुमायूं नामा कितनी बार जो है लिखा गया था। लेखक जो है पूछ रहा है, लेखक पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो हुमायूं नामा को किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। कितनी बार तो मैंने बताया, गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सौतेली बहन थी। गुलबदन, क्या मैंने लिख दिया? गुलबदन बेगम उनका नाम था पूरा, गुलबदन बेगम, इतना प्यारा नाम है। तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा था, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा, शाहजहानामा ये मोहम्मद ताहिर के द्वारा जो है शाहजहानामा लिखा गया जो कि शाहजहां की जीवनी है। तो सब सुमेलित है, पहला विकल्प सुमेलित नहीं है, इसीलिए यही उत्तर है। चलते चलते हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तकों का एक श्रृंखला प्रस्तुत किया गया है जिसे आप अध्ययन करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, परीक्षाओं में शानदार सफलता अर्जित करें। इसके लिए ये दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आज इस सेशन में बस इतना ही मेरे प्यारे एकलव्यों, आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखते रहिएगा, मुझको पढ़ करके बहुत जो है न सिर्फ जो है अपने आप को जो है एनर्जेटिक महसूस करता हूं बल्कि और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। आज बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Mm-hmm. Mm-hmm.